प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जनपद शाखा के तत्वावधान में जिलाधिकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की विदाई समारोह का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित संघ भवन में किया गया। इस मौके पर एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारी पुरुषोत्तम यादव, खलीलुल्लाह नाजिर, सफीउल्लाह वरिष्ठ सहायक, बलवंत प्रधान, लिपिक विजय गुप्ता, प्रधान लिपिक सुधा श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने पर अंगवस्त्र रामायण व कुरान देकर सम्मानित किया। इस संबंध में एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता ने बताया कि कलेक्ट्रेट से रिटायर हुए 6 कर्मचारियों की विदाई की गई है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यभान चौधरी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रथम, मंत्री विश्ववेश शुक्ला, संयुक्त मंत्री संतोष कुमार निषाद, कोषाध्यक्ष पंकज कुमार श्रीवास्तव, सुग्रीम प्रशांत, राघवेंद्र सिंह, कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता ने कहा, प्रशासनिक अधिकारी महोदय से भी मेरा निवेदन है कि आप भी जो है, मैं एडीएम महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को हमारे अर्पण करके सम्मान ज्ञापित करें। अध्यक्ष महोदय सम्मान ज्ञापित करेंगे। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मेरा अनुरोध है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का माल्यार्पण करके सम्मान ज्ञापित करें। सेवानिवृत्त हो जाना ये गर्व की बात है और स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए सेवानिवृत्त हो जाना वो भी एक अत्यंत गर्व की बात है। से डिमांड करनी चाहिए कि पिछले 4-5 सालों में या अगले वर्षों में जितने लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं कम से कम उतने लोगों की नियुक्ति हो जाए। पिछले 4-5 सालों में जितने लोग सेवानिवृत्त हुए, एक तो ये होगा कि यदि किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो वैसे ही बेरोजगार रहेगा। अगर कोई आएगा नहीं तो हमारे पटल, जो एक पटल पर कई कई लोग काम कर रहे हैं, तो पटल की गुणवत्ता प्रभावित होगी। मुझे लगता है संघ की तरफ से, आप गोरखपुर संघ की तरफ से अगर भैया थोड़ा सा पीछे निकलना मंत्री जी। पिछले महीनों में हमारे कलेक्ट्रेट कर्मी 6 कलेक्ट्रेट कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं जिनका आज यहाँ सम्मान समारोह आयोजित था और हमारे कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने उनका सम्मान किया है, उनको विदाई किया गया है, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके बहुत दिनों से ये लोग कार्यरत थे। 1986 से कोई कार्यरत था, कोई 87 से कोई कार्यरत, अपनी सेवा पूरी करके अधिवक्ता 60 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्त हुए।